सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से तारा मधु की रसोई से। दोस्तों आज मैं आपके साथ किचन में यूज होने वाली एक बहुत ही काम की चीज यानी कि सोया सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स सोया सॉस जो कि बहुत से खाने में यूज होता है, चाइनीज फूड में जैसे कि मंचूरियन, फ्राइड राइस या फिर चिली पनीर में बहुत यूज होता है, तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स मार्केट के सोया सॉस में सोडियम होता है, सोया एक्सट्रैक्ट होता है जिससे बहुत सी प्रोटीन एलर्जीज हो जाती है, लेकिन आप जो घर में सोया सॉस बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी ये सब नहीं होता। साथ ही ये ग्लूटेन फ्री होता है तो आसानी से आप इसे यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट होती है, साथ ही इसका कलर और टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाले सोया सॉस जैसा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब इस सोया सॉस को बनाना। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस। फ्रेंड्स ये मार्केट का सोया सॉस है, इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें आसानी से घर में मिल जाएंगे। चलिए जान लेते हैं। इसके अंदर है वाटर जो कि होता है हमारे घर में, शुगर यानी कि चीनी, सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट जिसका सब्स्टिट्यूट आज हम इसमें यूज करेंगे, कैरमेल कलर, एसिटिक एसिड और प्रिजर्वेटिव। फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमारे घर में आसानी से अवेलेबल है लेकिन दूसरी फॉर्म्स में, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे इस सोया सॉस को हम इसके सब्स्टिट्यूट्स के थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने ले लिया है एक बर्तन और इसमें मैं डालूंगी एक कप पानी। ये मैंने एक कप पानी इसमें डाल दिया है और अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो मैंने बर्तन को गैस पर रख दिया है, अब हम इस पानी को बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसे उतार करके एक साइड रख देंगे। फ्रेंड्स मैंने गैस पर एक फ्राइंग पैन रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले चीनी यानी कि शुगर। तो मैं यहाँ पर 4 स्पून्स शुगर के डाल रही हूँ। आपको जितना सोया सॉस बनाना हो आप उस हिसाब से चीनी ले लीजिएगा। 4 चम्मच से आराम से हमारा 50 ml तक सोया सॉस बन जाता है। फ्रेंड्स अब हमें धीमी आंच पर इस चीनी को जो है मेल्ट करना है, तो हमें इसमें कोई भी चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीनी अपने आप थोड़ी ही देर में मेल्ट होने लगेगी, जैसे हम कैरमलाइज करते हैं चीनी को बिल्कुल वैसे ही हमें इस चीनी को मेल्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स लगभग 2 मिनट के बाद हमारी चीनी जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन चुकी है, थोड़ी सी ये चिपकने लगी है। अभी ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है, इसको अभी और 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन इस स्टेज पर आपको इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं रोकना है। गैस की आंच को धीमी रखना है और कंटिन्यूस इसे स्टिर करते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो चीनी है वो अब मेल्ट होना शुरू होने वाली है। तो मेल्ट होने से पहले ये एक बार चिपकती है, इकट्ठी हो जाती है। आपको स्पैचुला से इसे अच्छे से छुड़ाते रहना है और हिलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हमारी चीनी जो है वो मेल्ट होना एकदम स्टार्ट हो गई है। इसने पानी छोड़ दिया है, मैं कंटिन्यूस इसे धीमी आंच पर चलाए जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स थोड़े से क्रिस्टल्स इसमें अभी बाकी हैं, लेकिन हमें उसे भी मेल्ट कर देने हैं। तो बस आपको इसे मिक्स करते रहना है। स्पैचुला पे थोड़ी थोड़ी चीनी चिपक जाती है तो उसे बीच बीच में छुड़ाते रहें। इस तरीके से आप इसे कंटिन्यूस मिक्स करते रहें। गैस की आंच को आपको एकदम धीमी रखनी है। और देखिए फ्रेंड्स अब हमारी चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और अब इस पे झागानी शुरू हो गई है। तो बस लगभग 3-4 मिनट में हमारी सोया सॉस बन करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए झाग अब पूरी चीनी पर आने लग गई है। फ्रेंड्स धीरे धीरे यही झाग से हमारा जो चीनी का कलर है वो बदलने लगेगा। अभी ये लाइट गोल्डन ब्राउन है, थोड़ी ही देर में ये डार्क होने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स पूरी में अब झाग आ गई है, आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यूस इसे हिलाती रही हूँ। अब हमारा कलर जो है वो बदलने लगा है, एकदम डार्क ब्राउन हो चुका है आप देख सकते हैं। और बस आपको कंटिन्यूस ऐसे ही चलाते रहना है। और ये देखिए फ्रेंड्स झाग आकर अब हमारी चीनी जो है वो कलर पूरी तरह बदल चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स अब डार्क ब्राउन से ये थोड़ा थोड़ा काला हो गया है। बस आपको इसे कंटिन्यूस इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपकी चीनी बिल्कुल नहीं जलेगी। और इस स्टेज पर फ्रेंड्स हमने जो पानी बॉईल करके रखा था 1 कप, वो पानी इसमें ऐड कर देना है धीरे धीरे करके।
जब आप पानी डालें तो थोड़ा सा पीछे हट जाएं क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत गर्म है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चीनी जो है वो एक क्लॉट की तरह जम गई है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैं इसे कंटिन्यूस मिक्स करते जा रही हूँ। कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब हम फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे लगभग एक चम्मच के करीब विनेगर यानी कि सिरका। इससे हमारा सोया सॉस काफी दिन तक ठीक रहता है। सोया सॉस में विनेगर बहुत जरूरी है। इसको डाल करके अब हम फिर से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। आपको इस स्टेज पर ये देखिए अभी ये थोड़ा सा पतला है, हमें इसे एक और दो मिनट और इसे अभी पकाएंगे। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। और अब हम फ्रेंड्स इसमें कुछ चीजें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 पिंच के करीब गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं हो तो आप लहसुन की कली डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल दूंगी लगभग 1 चुटकी जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ। और अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स 2 चुटकी के करीब काली मिर्ची का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर। और इन तीनों चीजों को हम अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। ये सारी चीजों से हमारा सोया सॉस है वो बढ़िया फ्लेवर वाला हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स मैंने सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। हमारा सोया सॉस एकदम बन करके रेडी हो गया है। इस स्टेज पर अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है और हल्का हल्का गाढ़ा भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको किसी बाउल में या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में निकाल करके स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको बाउल में डाल करके दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाजा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा सोया सॉस बन करके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितने आराम से इसे हमने घर में कुछ ही चीजों के साथ जो कि हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं बना लिया है। तो फ्रेंड्स अब जब भी आपको इंस्टेंट सोया सॉस की जरूरत पड़े आप इस तरीके से बना लीजिएगा। और इस सोया सॉस को फ्रेंड्स आप फ्रिज में रख करके 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है सोया सॉस की और हमारे आसपास सोया सॉस अवेलेबल नहीं होता, तब आप ये वाला मेथड बना करके सोया सॉस यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी रेसिपी और मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी और एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।